अब जरा इस सवाल को देखें, किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उनके पुत्र से 4 गुनी है और 20 वर्ष पश्चात वह अपने पुत्र से केवल 2 गुनी उम्र का होगा, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? तो पुत्र का वर्तमान उम्र बोला हुआ है, अभी पुत्र का 10 वर्ष भी हो सकता है, क्या है कि यहां पे जो 4 गुनी का जो है वो हम वैसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि पुत्र की 4 गुनी तो पुत्र की 4 गुनी 40 होगा, 20 वर्ष पहले बाद में 2 गुनी होता है, चले करके देखते हैं। तो अभी जो है पुत्र की वर्तमान वायु अगर 10 वर्ष है तो पिता की 40 होगा, तो चलो यहीं से ले लेते हैं, ये 10 कर दिया तो पिताजी की उम्र क्या होगी? 40 होगी, ठीक है ना। और चूंकि वर्तमान उम्र दिया है और 20 वर्ष पश्चात दोनों के 20-20 साल बढ़ जाएंगे, बड़ा सिंपल सी बात है, तो ये 10 साल का बच्चा 20 साल के बाद क्या हो जाएगा? 30 साल का हो जाएगा, ठीक है ना। और 40 साल की पिता की उम्र क्या हो जाएगी? 40 के साथ 20 जुड़ जाएगी। अरे यार, मेरा सुनना भी वैसा ही बनता है यार, मान लेना, सुनना, बहस ना करना मेरे से, ठीक है ना। तो ये 60 हो गया, बोल तो कितना छोटा लिखते हो, पता नहीं गांधी जी ने मेरे को क्या सिखा के गए। तो देखो, ये 30 की उम्र है किसकी? बेटे की। और पिता की उम्र क्या हो गई? 60 वर्ष। ये दुगुने का संपर्क हो गया। तो कहने का मतलब ये एकदम सही है कि अगर आज बेटे का उम्र 10 साल है तो पिता का उम्र 40 होगा, 20 साल पश्चात दोनों में 20-20 जोड़ दिया तो बेटे का उम्र 30 हो गया, बाप का उम्र 60 हो गया, 30 का दुगुना 60 होता है, कहानी यही खत्म होता है। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ सवाल और भी रह गए हैं, तो वक्त कुछ ज्यादा हो गया है, तो जिसके चलते मैं आज विदा लूंगा आपके साथ कुछ शब्दों को शेयर करते हुए।